गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस इज द सेकेंड क्लिप ऑफ ज्योग्राफी, सॉरी सेकेंड और लास्ट फ्रॉम चैप्टर 18 और 2, नेचुरल रिसोर्स लैंड एंड सॉइल। इन लास्ट क्लिप यू हैड रेड अबाउट लैंड एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सॉइल। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट, व्हाट इज सॉइल रिसोर्स? अब जैसा जानते हैं कि सॉइल क्या है, पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा का कुछ लेयर जो होता है उसे हम सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें भोजन प्रोवाइड करता है। हमें क्या, जितने भी पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स हैं वो इसी के माध्यम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही हर प्लांट को बेस प्रोवाइड करता है जीवित रहने के लिए। तो ये जो सॉइल है इसमें 4 सबस्टांस पाए जाते हैं, सिलिका, क्ले, चॉक एंड ह्यूमस, जिसमें ह्यूमस सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह किसी चीज़ को डिकम्पोज करके मिट्टी में कन्वर्ट करता है। बाकी सबका दिया हुआ है बुक में, आप देख लीजिएगा। फिर सॉइल का 2 लेयर यहाँ पे दिख रहा है, एक है टॉप सॉइल और दूसरा है सब सॉइल, यानी सॉइल का ये लेयर। अब ये टॉप सॉइल और सब सॉइल में थोड़ा सा डिफरेंस हम बता रहे हैं। जो टॉप सॉइल है पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट का कुछ मिलियन नीचे, यानी कुछ सेंटीमीटर का जो लेयर होता है वो सॉइल जो है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। और इसमें लाखों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो प्लांट को सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर जो सब सॉइल है इसमें पैरेंट मटेरियल पाए जाते हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये मिट्टी के निर्माण की बात आई तो यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वो कौन सा फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ 4 फैक्टर्स दिख रहा है, 4-5। पहला है पैरेंट रॉक, यानी जो मेन पत्थर जो होता है यही पत्थर वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से, वेदरिंग वाले प्रोसेस से मिट्टी में कन्वर्ट होता है। दूसरा क्लाइमेट, क्लाइमेट के अनुसार मिट्टी बनेगा, जहाँ जैसा क्लाइमेट उसके अनुसार। तीसरा रिलीफ, जमीन का बनावट। चौथा लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पांचवा टाइम। ये 5 ऐसे टॉपिक है जो किसी भी सॉइल के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। फिर आगे आपका टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। तो आप जब ये देखोगे अर्थ का क्रस्ट का, तो मेन रूप से इसका जो लेयर तैयार होता है उसको जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 होरिजोन दिख रहा है, सी होरिजोन, बी होरिजोन और ए होरिजोन। और ए होरिजोन के ऊपर वाला ये प्रोफाइल जो है ये सॉइल का लेयर है। तो इस ए होरिजोन, बी होरिजोन और सी होरिजोन को देखते हैं। अब देखिए ए होरिजोन में क्या पाया जाता है, ये वेदर्ड सॉलिड मटेरियल, मिनरल्स और सेमी टिकेट प्लांट्स और एनिमल मटेरियल इसमें पाया जाता है। इसी को ह्यूमस कहते हैं, ये ह्यूमस इसमें पाया जाता है। दूसरा बी होरिजोन जो है इसमें डिकम्पोज हुए मटेरियल का फाइन पार्टिकल्स पाया जाता है। और सी होरिजोन जो है इसमें वेदर्ड रॉक का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है वो पाया जाता है। अब आपके आगे का टॉपिक है सॉइल फर्टिलिटी। तो बोर्ड से ना देकर अब यहीं पे देख लेते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मतलब क्या होता है? हर सॉइल जो है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फर्टिलिटी सॉइल का ही डिपेंड करता है कि प्लांट का लाइफ क्या होगा, और प्लांट सॉइल की कंडीशन के अनुसार ही अलग अलग फसल उपजाए जाते हैं। तो जो फर्टाइल सॉइल होता है वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होता है फसल का, लेकिन सारे सॉइल उपजाऊ नहीं होते हैं। तो उपजाऊ बनाने के लिए उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है सॉइल इरोजन। तो इरोजन से आप क्या समझते हैं? इरोड मतलब एक जगह से दूसरे जगह हटाना। तो मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 2 एजेंट मेन रूप से काम करते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैनमेड। तो नेचुरल जो है वो तो भरपाई कर देता है अपना नेचर से ही, बट जो इंसान है यानी जो ह्यूमन है इसने इसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किया है और सॉइल बहुत तेज़ी से इरोड हुआ है। तो सॉइल जो इरोड होता है उसका देखिए 3 एजेंट मेन रूप से है। पहला है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के वजह से क्या होता है कि मिट्टी इरोड जब होती है तो 2 तरह के फॉर्म्स का निर्माण होती है, पहला गली इरोजन, दूसरा सीट इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है कि पानी की गति के कारण जमीन के बीच में नाला जैसा गड्ढा बन जाता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये, तो ये हो गया गली इरोजन। उसी तरह से सीट इरोजन में क्या होता है कि पानी के बहाव के कारण मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो धुल के दूसरी ओर चले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सीट इरोजन। अब दूसरा एजेंट देखिए, दूसरा है विंड। पहला वाटर देखिए, दूसरा विंड। विंड भी इरोड करता है। ये कैसे इरोड करता है कि ये हवा, तेज़ हवा के साथ
अपने मिट्टी को क्या करता है, बहा के दूसरी जगह ले जाता है। और ये देखिए थर्ड एजेंट है खुद ह्यूमन डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल फर्टिलाइजिंग के जैसे कामों से क्या करता है, सॉइल को इरोड करता है। तो अब सवाल क्रिएट यहाँ पे ये होता है कि जब ये इतना तेज़ी से सॉइल इरोड हो रहा है और हमारे लिए सॉइल इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसे कंजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन के लिए यानी इसको सुरक्षित रखने के लिए ये सारे मेथड्स हैं जो अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो सॉइल को कंजर्व करने का पहला टेक्निक कंटूर प्लॉफिंग, दूसरा टेरेस फार्मिंग, तीसरा इंटरक्रॉपिंग, चौथा सेल्टर बेड, पांचवा मल्चिंग और छठा रॉक डैम। कंटूर प्लॉइंग में क्या होता है, किसी पहाड़ी इलाका को गोलाकार तरीके से काट देना, उसे कंटूर प्लॉइंग कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये कंटूर प्लॉइंग का एग्जाम्पल है। टेरिस फार्मिंग आप लोग जानते हैं, पहाड़ को सीढ़ी नुमा खेती में कन्वर्ट करना, जैसा यहाँ दिख रहा है इस फिगर में। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि अल्टरनेट रोज में अलग अलग क्रॉप को कल्टीवेट करना अलग अलग समय में, जिससे क्या हो जब बारिश हो तो मिट्टी बहकर नहीं जाए। सेल्टर बेल्ट में क्या होता है, ये कोस्टल एरियाज में होता है, यानी समुद्री किनारे या नदी के किनारे में यदि पेड़ को रोज में लगाया जाता है तो नदी का जो बहाव होता है वो मिट्टी को नहीं काटता है। मल्चिंग मतलब होता है कि जो ग्राउंड होता है प्लांट का उस पर यदि हम घास फूस डाल दें, घास को कवर कर दें, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है मिट्टी का वो बहेगा साथ में नहीं। और रॉक डैम मतलब ये क्या करता है, रॉक को पाइल्ड अप करना, जहाँ पे पानी का गति तेज है वहाँ किनारे किनारे रॉक को सेट कर देना, ताकि क्या हो सके, पानी के साथ बह ना सके। यहाँ पे देखिए सबका एग्जांपल दिया हुआ है फोटो के साथ, ये देखिए रॉक डैम का एग्जांपल है, पानी बहेगा ही नहीं। शेल्टर बेल्ट का ये, इंटरक्रॉपिंग का ये, और टेरिस फार्मिंग का ये। एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अब है सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो सॉइल डिग्रेडेशन और इरोजन में अंतर है। इरोजन मतलब वो एजेंट जो है मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरा जगह ले जाएगा, लेकिन डिग्रेडेशन मतलब है कि सॉइल की क्वालिटी में कम हो जाना। तो यहाँ डिग्रेडेशन को कैसे कंजर्व किया जाए उसका यहाँ पे तरीका दिया हुआ है। पहला तरीका क्या दिया हुआ है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न यूज की जाती है कंटूर प्लोइंग, और उसको चेंज करना, जैसे कंटूर प्लोइंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग को मैथड को अपनाना। फिर बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, जबकि हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ग्रीन मैनर का इस्तेमाल करना। चौथा लेगुमिनस क्रॉप्स ज़्यादा लगाना, जैसे पल्स, इससे क्या होता है फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर वाटर मैनेजमेंट और सॉयल मैनेजमेंट के प्रॉपर नॉलेज होना। एंड छठा क्रॉप का रोटेशन बहुत ज़रूरी है, यानी किसी भी खेत में एक ही क्रॉप्स बार बार लगाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर नेचुरल रिसोर्स लैंड एंड सॉइल, ये आपका फिनिश होता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लिप में हम सिविक का अगला चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।